नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर से लेके आए हैं एक नई कहानी। तो जल्दी से आ जाओ और बैठ जाओ कहानियों की ट्रेन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बुद्धिमान मोर और चालाक लोमड़ी की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। जंगल में मोर अपने घर को वापस आ रहा था। उसका घर पास के ही एक पेड़ पे था। वहीं से एक लोमड़ी गुजर रही थी, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और वो अपने शिकार की खोज में थी। तभी उसने पेड़ पे बैठे सुंदर मोर को देखा और सोचा, मैं इसे कैसे खाऊं, मैं तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती हूँ। तो उसने दिमाग लगा के अपनी चालाकी से मोर के पास गई और बोली, मोर मोर, तुम अभी तक मिलने नहीं पहुँचे हो। तो मोर ने कहा, किससे मिलने के लिए? तो लोमड़ी ने कहा कि आज सारे पशु पक्षी एक साथ मिलने वाले हैं और ये बात तय करने वाले हैं कि हम एक दूसरे को नहीं खाएंगे। मोर ने कहा, इसका क्या मतलब है? तो लोमड़ी ने कहा कि इसका मतलब बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को नहीं खाएंगी। तो मोर हंसते हुए बोला, तो क्या शेर और चीते अब घास खाएंगे? लोमड़ी ने हार नहीं मानी, उसको तो मोर खाना था। तो उसने कहा मोर से कि चलो ये एक बार राजा शेर से हम बात करते हैं, चलो नीचे आओ और चलकर पूछते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हो। तो मोर ने कहा कि देखो तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। लोमड़ी ने कहा, कौन से दोस्त? मोर ने कहा, शिकारी कुत्ते आ रहे हैं। जैसे शिकारी कुत्तों का नाम सुना तो लोमड़ी डर गई और वहां से भाग खड़ी हुई। जाते जाते मोर ने उसको कहा कि अरे तुमने तो अभी तो बोला कि हम एक दूसरे को नहीं खाएंगे, तो तुम शिकारी कुत्तों का नाम सुनकर क्यों भाग रही हो? तो लोमड़ी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, हो सकता है शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं उपस्थित हुए हो। और मोर हंसने लगा और उसने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में अपना आपका संयम बनाए रखना चाहिए।